सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। फ्रेंड आज हम बात करेंगे बकरियों को बरसात के सीजन में कैसे रखें। तो सबसे पहले अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक तो लाइक बनता ही है। चलिए अब हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी फार्म बरसात के सीजन में हम खोलना है या नहीं करना है। तो आप ध्यान रखें कि बकरी फार्म जो है बरसात के सीजन में ना ही करें तो बहुत बेहतर होगा, इसलिए कि जो बकरी जो होता है बीमारी ज़्यादा बरसात के टाइम में ही ज़्यादा बढ़ता है। तो आप बरसात के टाइम में बकरी फार्म ना करें तो ही बेहतर होगा। अगर आप क्योंकि आप नए हैं, अगर बकरी कहीं से खरीद के लेकर आ रहे हैं और आपको मालूम नहीं है, थोड़ा सा बीमारी होगा फिर वो बकरी आने के बाद से और ज़्यादा बीमारी हो जाएगा, इसीलिए आप बरसात के सीजन में बकरी फार्म ना ही खोले तो अच्छा है। और चलिए और आगे हम जानते हैं बरसात के मौसम में क्या होता है। जानवरों को रखने के लिए किसान को बहुत ही दिक्कत होती है और साथ साथ में चारा का भी बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। बरसात का जो मौसम है वह बकरियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, मगर हमें बकरियों के स्वास्थ्य पर खास ख्याल रखना चाहिए। शेड के अंदर पानी नहीं आना चाहिए, अगर पानी आता है तो बकरियों के मूत्र के साथ मिलकर अमोनियम वायु पैदा होता है और बकरियों के नाक और आँख में तकलीफ का कारण बन जाता है। ये सब ध्यान आपको देना पड़ेगा। अमोनियम के से बकरियों के शरीर में खुजली भी पैदा होता है। बरसात का हम सब के लिए जरूरी है क्योंकि किसान को खेती करने में मदद करती है बरसात, मगर बरसात में खेती के लिए अच्छी होती है उसी तरह पशु के लिए मृत्यु ज़्यादा होता है। और आप बकरियों को ज़्यादा घास खिलाने से बचें। जब बारिश आती है तो नया घास उगता है, यह जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा है। बकरियों आसानी से मुलायम घास खाती है, मगर यह ध्यान दें कि इस घास में बहुत सारा पानी रहता है और काफ़ी कम मात्रा में फाइबर होता है। ये घास जानवरों को ज़्यादा मात्रा में खाना अच्छी नहीं होती है। बकरियों उचित पाचन के लिए फाइबर की आवश्यकता है। जो बकरियां होती हैं उनको उचित मात्रा में फाइबर चाहिए, क्योंकि जो खाना खाती है वो पचाने के लिए फाइबर बहुत ही आवश्यकता और उपयोगी चीज़ है। नई घास में फाइबर कम और पानी ज़्यादा होती है। बकरियों पालकों को बरसात से पहले डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए। अगर आप शेड में अगर खिला रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। अगर आपका शेड में पानी लग गया है तो उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सी प्रजातियां पैदा हो जाती हैं। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, ये सब उसमें पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा। बरसात में रोग लगने से ज़्यादा जो होता है रोग लगने का ज़्यादा चांस हो रहता है, जैसे जुकाम हो गया, लूज मौसम हो गया, थनेला रोग हो गया इत्यादि। इससे पहले अगर आप बकरी फार्म है भी तब इससे पहले जो भी उसका टीका है आप उसका टीका दिलवा दें बरसात से पहले, और डीवार्मिंग बरसात से पहले बहुत ज़रूरी है जिसका है। अगर नए अगर करना चाह रहे तो बरसात के सीजन में ना ही करें तो बेहतर होगा।